अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फिक के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदी जी आया नो। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही कमाल का नुस्खा लेकर आप अहबाब की हिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, जल्दी से अपने कमरे में जाइए, कुंडी लगाइए और इसको बड़े गौर से सुनिए हैंड फ्री लगा के, क्योंकि आज का नुस्खा आपके लिए इसलिए खास होने वाला है कि वो भाई जिनको सूरत अंजाल और जरियान का बहुत ही ज्यादा मसला रहता है और वो कोई नुस्खा इस वजह से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उनका मिजाज गर्म है, तो गर्म मिजाज वाले नुस्खे जो थे उनको ज्यादा मिलते हैं। तो आज दोस्तों आपके लिए मैं सर्द मिजाज नुस्खा लेकर आया हूँ, यकीन जाने इसे हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ही कमाल का नुस्खा है। खासतौर पे आपके अजूए खास की जो बीमारियां हैं, यानी कि रगे पट्टे जो बंद हो चुके हैं हाथ गाड़ी चलाने की वजह से, गलत कार्यां करने की वजह से, या आपके मादह तौलीद में बहुत ही ज्यादा कमी आ गई है, इस कदर कम हो चुका है कि जैसे ही आप फारिग होते हैं एक दो कतरे गिरते हैं उसके बाद आपके अजू में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपके लिए ये मैं नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। बड़े गौर से नुस्खा दोस्तों सुना है, क्योंकि मैंने जैसा कि शुरू में ही बता दिया कि इस नुस्खे का मिजाज सर्द है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए फिर मैं नुस्खा आपकी झोली में डाल देता हूँ, बहुत ही कम टाइम में नुस्खा मैं आपके हवाले करता हूँ। दोस्तों कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि फिटनेस फैक्ट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक बआसानी पहुंच सकें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो आइए नुस्खे का बाकायदा आगाज करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दोस्तों आपने क्या करना है, बीज बंद लेना है, 10 ग्राम बीज बंद आप ले लें। दूसरे नंबर पे आपने तुखमे सरस लेना है, ये भी 10 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पे जो चीज आपने लेनी है वो है ताल मखाना, ताल मखाना भी आपने 8 ग्राम लेना है। और आखिरी जो चीज है वो है कूजा मिश्री आप 10 ग्राम ले लें। अब आपने क्या करना है, इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से पहले तो हम वजन ले लें तो वो सबसे बेहतरीन है, फिर इनका आपने सफू बनाकर अपने पास महफूज करना है। अब आपने मिकदार कितनी खानी है, 1 माशा से 2 माशा आपने हमरा पानी के सुबह नाश्ते के बाद, और इसी तरह 1 माशा से 2 माशा शाम को आपने इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद। बहुत ही कमाल का नुस्खा है दोस्तों, तौलीद को गाढ़ा करेगा, आपके मादे को जब गाढ़ा करेगा तो जारी बात है आपकी टाइमिंग में भी बेपना इजाफा होगा, आपके अजूब में जो रगे पट्टे दबी हुई हैं उनको भी ये खोलेगा इंशाल्लाह। बहुत ही कमाल का नुस्खा है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही नुस्खे जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, मुझे दीजिए अब इजाजत। में मिलता हूँ कल इससे भी नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।